हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, हमने आज चैप्टर नंबर 4 चालू करेंगे लेजर। इसके प्रीवियस पार्ट में मैंने फर्स्ट से लेके आपको थर्ड तक सारे चैप्टर करा दिए। ऑलरेडी मैंने जनरल के भी आपको सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे से करा दिया। आज चैप्टर नंबर 4 करेंगे। अब तक आपने फर्स्ट से लेके थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिए। अगर जिनको जनरल आता है उसको ही लेजर आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे जनरल एंट्री नहीं आता, मैं डायरेक्ट लेजर करूँगा, जी नहीं, तो आपको नहीं आएगा। वेरी फर्स्ट आपको जनरल काफ़ी अच्छे से आता रहेगा तो ही आपको लेजर आएगा। इस पार्ट में मैं इंट्रोडक्शन आपसे करूँगा और कुछ मीनिंग करेंगे और अपना ट्रायल बैलेंस के भी बारे में इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन करते हैं, लेजर होता क्या है। तो यहाँ पर दिया गया आपको पेज नंबर 89 पे, लेजर इज़ अ मेन बुक ऑफ अकाउंट, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक किसे माना जाता है, लेजर को माना जाता है। वंस द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल और सब्सिडरी बुक इज नेक्स्ट स्टेप टू ट्रांसफर दोज ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्टिवली अकाउंट टू ओपन द लेजर। मतलब क्या बोल रहे हो, तुम बोलोगे सर जर्नल एंट्री तो पता है, सब्सिडरी बुक क्या होता है, डोंट वरी आगे हम करेंगे सब्सिडरी। जैसे जर्नल एंट्री होता है वैसे ही सब्सिडरी बुक होगा। एक बार अगर ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हुआ या तो सब्सिडरी में रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, लेजर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। मतलब सेपरेट, अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का सेपरेट लेजर अकाउंट बनेगा, मशीनरी है तो मशीनरी का सेपरेट अकाउंट बनेगा, फर्नीचर है तो फर्नीचर का सेपरेट, परचेज किया है तो परचेज का अलग अलग हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल ये। एक और बार मैं रीड करता हूँ, लेजर इज अ मेन बुक, वन द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहाँ पर किया जाएगा, जनरल और सब्सिडरी बुक। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ट्रांसफर उसे हमें कहाँ करना है, रिस्पेक्टिव कहाँ करना है, उसको लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वेरी फर्स्ट आगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर, वहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन दिया गया है। वेरी फर्स्ट मीनिंग करते हैं लेजर का, क्या बोल रहे हैं, लेजर इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक किसे माना जाता है, लेजर को माना जाता है। इट ऑल्सो कॉल एज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, मतलब क्या बोला जाएगा, इसको फाइनल एंट्री भी बोला जाएगा। इट इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ द अकाउंट, एग्जाम्पल असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व, एक्सपेंस, मतलब सारे असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम कहाँ रिकॉर्ड हुआ जाता है, हमें लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं, द वर्ड लेजर इज अ डिराइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड लेजर, मतलब क्या बोल रहे हैं, लेजर वर्ड कहाँ से आया, लेटिन वर्ड लेजर से आया। विच मीन्स टू कंटेन एज पर द लेजर कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स टू बी कंटेन ऑफ द नेम एंड सिग्निफिकेंट, मतलब सारे अकाउंट्स के नाम रहेगा, उसके सारे रिकॉर्ड कहाँ हुआ किया जाता है, लेजर में किया जाता है। डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल है। आगे आपको दिया गया कंटेन ऑफ लेजर, मतलब लेजर के अंदर क्या क्या आता है। लेजर इज अ बाउंड बुक ऑफ विच कंटेन सेवरल पेजेस, बाउंड बुक का मतलब क्या होता है, मतलब सारे बुक्स का क्या रहेगा, एक बंच रहेगा, मतलब सारे अकाउंट्स क्या क्या दिया जाता है यहाँ पर, बंच। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है बुक्स क्या है, सारे बुक्स का क्या दिया, एक बंच दिया गया, वैसे ही लेजर का क्या रहेगा, बाउंड मतलब क्या, एक बंच रहेगा। ईच पेज ऑफ लेजर इज अ सिमिलर नंबर, मतलब हर एक पेज का क्या रहेगा, सिमिलर नंबर, फॉर ईच अकाउंट सेपरेट पेज नंबर इज अलॉटेड, मतलब हर एक अकाउंट को और हर एक पेज नंबर को क्या किया जाएगा, सेपरेट यहाँ पर अलॉटेड किया जाएगा। पेज नंबर ऑफ लेजर इज अ कॉल, क्या बोलेगा उसे, लेजर फोलियो बोलेंगे। याद करो जनरल में हम क्या लिखते थे, लेजर फोलियो लिखते थे। याद करो डेट पर्टिकुलर LF, LF का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो। लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब लेजर अकाउंट है, फोलियो का मतलब क्या होता है, पेज नंबर। सेम एज यहाँ पर अगर लेजर में क्या लिखेंगे, JF मतलब जनरल फोलियो, मतलब जनरल एंट्री का पेज नंबर लिखेंगे। डिवाइड इंटू टू साइड, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट क्या बोलेंगे, डेबिट, एंड द राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट को क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। डोंट वरी, आगे मैं आपको फॉर्मेट बना के एक्सप्लेन करूंगा। मतलब जो आपका जो लेजर है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको डेबिट बोला जाता है, राइट हैंड साइड को क्या बोला जाता है, क्रेडिट बोला जाता है। ऑलरेडी यू नो वेल, वेरी वेल, आपको पता ही है कि लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोला जाता है, राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोला जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, रिटर्न द अब्रीवेशन, डेबिट में DR लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, CR लिखेंगे, टॉप ऑफ द कॉर्नर। मतलब डेबिट की कॉर्नर में DR लिखा जाएगा, क्रेडिट की कॉर्नर में क्या लिखा जाएगा, CR लिखा जाएगा। वेरी वेरी सिंपल ही है ना। अगर लेजर बना रहे तो ऊपर कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड की कॉर्नर पे DR मतलब डेबिट साइड, राइट हैंड साइड की कॉर्नर पे क्या रहेगा, CR मतलब क्रेडिट रहेगा। डोंट वरी, आपको मैं अभी एक फॉर्मेट बनाता हूँ, फिर हम एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको उसके अंदर क्या क्या और दिया गया है। यहाँ पर आगे मैंने आपको स्पेसमैन ऑफ लेजर, मतलब यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। अगर कोई भी फॉर्मेट बना रहे तो फॉर्मेट बनाना पहले, सबसे पहले क्या आएगा, इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर टॉप पे आपको क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ जो भी रहेगा वो क्लियर है। और यहाँ पर क्या आएगा, नेम ऑफ द अकाउंट, मतलब यहाँ पर जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं उसका आ जाएगा नेम ऑफ द अकाउंट,
अगर एग्जांपल हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट बना रहे तो मशीनरी आ जाएगा, कैपिटल बना रहे तो कैपिटल आ जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ का नाम बना रहे तो यहाँ पर आएगा। वेरी फर्स्ट क्या रहेगा, इन द बुक्स ऑफ, सेकंड क्या रहेगा, नेम ऑफ द अकाउंट। जैसे अभी मैंने बताया था, अगर फॉर्मेट बना रहे तो आपको दिख रहा रहेगा ये जो सेंटर मिला आपको, ये मतलब पेज को क्या कर रहा हूँ मैं, फोल्ड कर रहा हूँ, तो ये सेंटर मिला, यहाँ से आपको क्या बनेगा, ये पहला डेट पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या रहेगा JF अमाउंट, तो ये जो ऊपर वाली साइड है उसको क्या लिखा जाएगा DR, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड को DR और राइट हैंड साइड को क्या लिखेंगे हम CR लिखेंगे, मतलब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है उसको क्या लिखेंगे डेबिट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट, मतलब क्या रहेगा राइट हैंड साइड रहेगा। वेरी फर्स्ट ये क्या है डेट, तो यहाँ पर आ जाएगा डेट, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर, ये आ जाएगा डेट पर्टिकुलर, इसको क्या बोलेंगे हम LF, याद करो जर्नल में क्या लिखते थे LF, मतलब क्या था लेजर फोलियो, तो ये लेजर है, यहाँ पर क्या रहेगा JF, क्या रहेगा JF का मतलब क्या रहेगा जर्नल फोलियो, और ये क्या रहेगा अपना अमाउंट का कॉलम रहेगा, क्लियर है, अमाउंट इन रुपीज आ जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा डेट पर्टिकुलर, ये क्या रहेगा JF, और यहाँ पर क्या रहेगा अपना अमाउंट इन रुपीज रहेगा, क्लियर है अपना, ये सेम टू सेम सिंपल ही है। आपको क्या खाली फॉर्मेट बनाना है, पेज को क्या करना है फोल्ड, मतलब ये जो आपकी सेंटर वाली ये जो लाइन दिख रही है इसको क्या करोगे पेज को फोल्ड करोगे तो सेंटर मिलेगा, यहाँ पर इतना ही अमाउंट का कॉलम बनाना है, आपको ईजिली क्या कर सको 1 लाख रुपीज लिख सको, क्लियर है, देखो आप दिख रहे हो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 लाख रुपए इजीली लिख सकता हूँ। कुछ बच्चे इतना छोटा बना देते हैं कि उसमें 100 रुपीज़ भी ना लिखा जाए, और डेट का भी आप इजीली क्या कर सको, वहाँ पर डेट लिख सको, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर ये क्या है JF अमाउंट रहेगा। अभी यहाँ पर एक बात याद रखो, डेट में क्या रहेगा जो भी ट्रांजेक्शन रहेगी उसकी क्या आएगी डेट वाइज हम क्या करेंगे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। पर्टिकुलर कॉलम में दो साइड पर्टिकुलर है, अगर डेबिट में लिखोगे तो क्या आएगा टू, क्रेडिट में लिखोगे तो क्या आएगा बाय, अगर पर्टिकुलर कॉलम की डेबिट में लिखा जाएगा तो यहाँ पर स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा टू, और यहाँ पर क्या रहेगा बाय, मतलब कोई भी चीज आप लिख रहे हो डेबिट में यहाँ पर क्या आ जाएगा टू टू टू, और क्रेडिट में लिख रहे हो तो क्या आ जाएगा बाय बाय और बाय आ जाएगा। तुम बोलोगे सर कैसा, जस्ट एज एक ट्रांजेक्शन लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं परचेज क्या कर रहा हूँ फर्नीचर कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा कैश अकाउंट। जस्ट एज एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ ये कौन सा मैंने बनाया कैश अकाउंट बनाया है, कौन सा अकाउंट बना रहे कैश अकाउंट, तो यहाँ पर नेम ऑफ द अकाउंट कौन सा है कैश अकाउंट, तो ये देखो कैश कहाँ पर है क्रेडिट में, तो कैश की कहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट साइड, वो नाम किसका रहेगा करस्पॉन्डेंस, मतलब अगर कैश क्रेडिट है तो कैश की कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड पे, नाम किसका लिखना है डेबिट का, मतलब अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है, इसके लिए कैश अगर क्रेडिट है तो कैश की क्रेडिट साइड पे, नाम किसका रहेगा बाय फर्नीचर अकाउंट, क्लियर है। अगर वापिस से एक और ट्रांजेक्शन में बता रहा हूँ, मैंने गुड सेल किया तो मेरे पास क्या आ रहा है कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा सेल्स अकाउंट राइट, तो गुड्स को बेचा तो क्या रहेगा कैश अकाउंट डेबिट, तो देखो कैश कहाँ पर है डेबिट में, तो कैश की कहाँ लिखेंगे हम डेबिट साइड पे, नाम क्या रहेगा टू सेल्स अकाउंट, क्यों ऐसा क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम आएगा नहीं, किसका नाम आएगा करस्पॉन्डेंस, मतलब अगर डेबिट के अगर कैश अगर क्रेडिट है तो डेबिट का नाम आएगा, अगर कैश डेबिट है तो नाम किसका आएगा क्रेडिट का आएगा, मतलब जो अकाउंट डेबिट रहेगा उसका करस्पॉन्डेंस क्या रहेगा क्रेडिट रहेगा, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ये सारा हमने क्या कर दिया लिख दिया, मतलब डेबिट में याद करना टू लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है बाय लिखना है। अगर एग्जांपल इसका क्या करना है मुझे टैली करना है, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, यहाँ पर और एक मैं क्या करता हूँ 10,000 लिख देता हूँ, तो ये कितना है 1,10,000 और ये कितना है 1,00,000, तो विच साइड बिगर 1,10,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,10,000 एंड में आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,10,000 आ जाएगा, मतलब जो साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा वो साइड का टोटल दोनों साइड। अभी यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो 1,10,000 में से 1,00,000 गया तो आंसर कितना आएगा 10,000 आएगा, आंसर कितना आएगा 10,000 आएगा। इसको नाम क्या देना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्या आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्यों ऐसा क्योंकि ये फाइन टर है तो क्या रहेगा कैरी डाउन। सेम एज अ जस्ट एग्जांपल यहाँ पर 20 है, ये एग्जांपल जस्ट एज एग्जांपल ये यहाँ पर 1,00,000 है, जो साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर अगर क्रेडिट में आया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। सेम ऐसे यही बैलेंस क्या चला जाएगा इस तरफ चला जाएगा, उसको पहले बाद में देखते। अगर यहाँ पर मैं अज्यूम करो यहाँ पर 1,00,000 कितना है 20, तो ये साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर कितना आएगा 1,20,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,20,000, और 1,10,000 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 10,000 आएगा। इसको नाम क्या देना अगर डेबिट में आया तो क्या रहेगा टू बैलेंस
कैरी डाउन क्लियर है। अगर डेबिट में आया तो भी टू बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट में आया तो क्या रहेगा बाय, क्यों क्रेडिट में क्या लिखते हैं बाय लिखते हैं और डेबिट में क्या लिखते हैं हम टू लिखते हैं। सेम एज हमें ओपनिंग बैलेंस दिया, एग्जाम्पल कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो कैश कहाँ रहता है डेबिट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस क्या रहेगा ब्रॉट डाउन। अगर किसी का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर हम एंड में फाइंड कर रहे हैं तो क्या रहेगा कैरी डाउन। क्लियर है बेटा, सिंपल है। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है तो ब्रॉट डाउन, अगर एंड में फाइंड कर रहे हैं तो क्या रहेगा कैरी डाउन रहेगा। डोंट वरी, हम सम करेंगे तो डेफिनेटली आपको और इजीली और काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑलरेडी लेजर किया, लेजर के बारे में आप ज्यादा सोचो मत, ऑलरेडी हम सम करेंगे, बस जितना मैंने करा उतना याद रखो। डेबिट में डीआर लिखेंगे, क्रेडिट में सीआर लिखेंगे। आगे ट्रायल बैलेंस क्या बोल रहा है, ट्रायल बैलेंस इज अ अब्रीवेशन ऑफ लिस्ट ऑफ द ऑल द लेजर अकाउंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट शोइंग द डेट एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर द ऑल द लेजर अकाउंट। मतलब करना कुछ नहीं है, जो अपना लेजर बनेगा हर एक अकाउंट का, उसका जो डेबिट बैलेंस आएगा कहाँ जाएगा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस आएगा कहाँ आ जाएगा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में आएगा। बस हमें क्या पढ़ना है, वेरी फर्स्ट जर्नल, जर्नल में से क्या बनेगा लेजर, लेजर के बाद क्या बनता है ट्रायल बैलेंस, मतलब जर्नल एंट्री बनाए जर्नल को किस में पोस्ट करके लेजर, और लेजर के बाद क्या बनेगा ट्रायल बैलेंस बनेगा। और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ट्रायल बैलेंस कभी प्रिपेयर होगा जब फाइनेंशियल एंड होगा। हाउएवर द प्रिपेयर द पीरियोडिकली डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब अगर हमें मंथली मंथली भी ट्रायल बैलेंस बनाना है तो भी अगर बिजनेस की जैसी भी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से क्या करेंगे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। टू प्रिपेयर द सर्टन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस ऑफ द अकाउंट, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने का फायदा क्या है, एक तो हमें पता चलेगा जो हमने लेजर किया है वो सही से है कि नहीं। अगर जनरल याद करो, जनरल के बाद हम नीचे क्या करते हैं उसका टोटल, मतलब हमें पता चलता है डेबिट इज इक्वल टू क्या है क्रेडिट। सेम एज हमें ट्रायल बैलेंस बना रहे, किसी का बैलेंस कुछ हमने गलत लिखा तो कहाँ पर पता चल जाएगा हमें लेजर अकाउंट में पता चल जाएगा। सेम एज सॉरी जनरल ट्रायल बैलेंस में पता चल जाएगा। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देर आर टू मेथड प्रिपेयर क्या करना है, वेरी फर्स्ट मेथड है वर्टिकल और जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, वर्टिकल और क्या बोले कि जर्नल फॉर्म, मतलब जैसे जर्नल का फॉर्मेट था वही फॉर्मेट रहेगा। सेकेंड है हॉरिजॉन्टल और लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, दो मेथड, एक वर्टिकल और दूसरा कौन सा है हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस है। वेरी फर्स्ट यहाँ पर दिया है फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल या तो जर्नल फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, जर्नल फॉर्म मतलब आपको पता चली गया है जर्नल के जैसा दिख रहा है, फॉर्मेट ऑफ हॉरिजॉन्टल या तो लेजर फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब आपको दिखा हमने जैसा भी लेजर का फॉर्मेट किया सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी रहेगा, 31 मार्च दिया रहेगा, 31 दिसंबर दिया रहेगा, 1 जनवरी दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सीरियल नंबर 1234 आ जाएगा। यहाँ पर हेड ऑफ अकाउंट मतलब जो भी रहेगा अपना कैश अकाउंट रहेगा, फर्नीचर अकाउंट रहेगा, मशीनरी जो भी अकाउंट रहेगा वो आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखना है, LF का मतलब क्या होता है लेजर फोलियो, याद करो वेरी फर्स्ट क्या बनता है जर्नल, जर्नल में से क्या बनेगा लेजर, लेजर में से क्या बनेगा ट्रायल बैलेंस, मतलब जर्नल में किसका नाम लिखेंगे लेजर का, लेजर में किसका नाम लिखते हैं जर्नल का, तो सेम एज अ ट्रायल बैलेंस बनेगा तो किसका नाम लिखेंगे लेजर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट रहेगा। अगर उसका डेबिट बैलेंस रहेगा तो अमाउंट डेबिट में रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो अमाउंट क्रेडिट में रहेगा। डोंट वरी, हम करेंगे काफ़ी अच्छे से। सेकेंड है फॉर्मेट ऑफ हॉरिजॉन्टल या तो लेजर, आपको पता चल ही गया रहेगा ये क्या करना है, बीच से ये टी फॉर्मेट के जैसे ही है, बीच वाला पेज को फोल्ड करना है, ये आपको मिल जाएगा। सीरियल नंबर, डेबिट बैलेंस तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो क्रेडिट में, LF और अमाउंट डेबिट का, क्रेडिट का डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, मतलब अगर डेबिट में लिखोगे तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा इसी तरफ आएगा, अगर क्रेडिट में लिखोगे तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा इसी तरफ आएगा। यहाँ पर सीरियल नंबर, मतलब यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सीरियल नंबर 2 आ जाएगा, यहाँ पर अगर 4, 5 मिला तो यहाँ पर क्या आएगा 3, 6 आएगा, मतलब जैसे जैसे सीरियल नंबर रहेंगे उसी हिसाब से क्या लेंगे लेंगे। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, वैसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप सीरियल 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके लिखोगे। डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल, मैं एक्सपेक्ट करो आपको फॉर्मेट समझा रहेगा कैसे मैंने क्या किया ये। आगे हमें दिया है यूटिलिटी ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का इंपॉर्टेंट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। यहाँ पर दिया गया है वेरी फर्स्ट इज शो द बैलेंस ऑफ अ डिफरेंट लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में क्या मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट लेजर अकाउंट के बैलेंस मिलेंगे। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, इट्स प्रोवाइड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अ बुक ऑफ अकाउंट, मतलब क्या हो गया अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब हमें पता चलेगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या है सही है। और लास्ट क्या बोल रहे हैं, इट हेल्प टू प्रिपेयर
फाइनल अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तभी भी ट्रायल बैलेंस का हमें काफ़ी हेल्प लगेगा। डोंट वरी, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली 110% आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको उस चैप्टर वेरी इजीली समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।